खैर एक ट्रेजेडी आने वाली है। ज्यादातर लोगों को कोई ट्रेजेडी तभी दिखती है जब वो एक धमाके के साथ होती है, पर अगर आप संवेदनशील हैं तो आप इसे अपने चारों ओर होते हुए देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अचानक मिट्टी बचाओ अभियान के बारे में सोचा, पिछले 26-27 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं। तो कुछ विश्व स्तरीय संस्थान भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगले 25-30 वर्षों में भारत में पीने के पानी की गंभीर समस्या होगी। कई छोटी छोटी धाराएं और नाले जो आपने बचपन में देखे थे, वो पिछले 15-20 सालों में गायब हो चुके हैं, वे बस सूख गए हैं। ये कोई मजाक नहीं है, इससे मानव जाति पर जबरदस्त पीड़ा आएगी, भयंकर दुख। जिस तरह से आप जमीन को संभाल रहे हैं, अगले 15 साल बाद कोई मानसून नहीं होगा, केवल तूफान आएंगे। जबरदस्त बारिश होगी जो मिट्टी को पूरी तरह से बहा देगी। पर्यावरण के स्तर पर और दूसरे तरीके से भी ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों के लिए एक रेगिस्तान छोड़ना चाहते हैं, न कि एक सजीव दुनिया। यही समय है कि हम इस बारे में कुछ करें। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो इंसान होने का कोई मतलब नहीं है। तमिलनाडु में 6 करोड़ लोग हैं। अगर उन्हें पता चले कि क्या करना जरूरी है, तो सिर्फ 5 साल के समय में आप पूरे राज्य को हरा भरा कर सकते हैं। आज भारत में ग्रीन हैंड्स नाम के एक प्रोजेक्ट पर चर्चा की जा रही है। हमने एक जन अभियान शुरू किया था और मैंने लोगों के दिमाग में पेड़ लगाने के लिए 6 साल बिताए थे। वही सबसे कठिन जगह है, मेरा विश्वास करें। ये दुर्भाग्य की बात है कि 7 लाख पेड़ एक गिनीज रिकॉर्ड है। मैं हर किसी को ये रिकॉर्ड तोड़ते देखना चाहता हूँ। अगर आप तमिलनाडु में 11.4 करोड़ पेड़ लगाएंगे तो 33% हरियाली होगी। अगर आप अभी इसे ठीक नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। The planting trees thing came up essentially because we wanted to save the soil. पेड़ लगाने की बात मूल रूप से इसीलिए सामने आई क्योंकि हम मिट्टी को बचाना चाहते थे। अगर किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो ये जान लीजिए, वजह बैंक नहीं बल्कि जमीन है। जमीन और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही है। हम बस पागलों की तरह धरती में जहर घोल रहे हैं। मान लीजिए सभी कीड़े जहर से प्रभावित हो गए और बड़ी संख्या में मर गए, तो लाखों लोग मरेंगे कुछ ही समय में। मैंने हजारों लोगों को लिया, वो जो सांस बाहर छोड़ रहे हैं पेड़ उसे अंदर ले रहे हैं, जो सांस पेड़ छोड़ रहे हैं लोग उसे अंदर ले रहे हैं। इस अनुभव को लोगों तक पहुंचाना कि जिसे आप मैं समझते हैं वो आपके शरीर की सीमाओं के भीतर नहीं है, वो उससे कहीं आगे है। This is not a protest. ये कोई विरोध नहीं है, नहीं ये आंदोलन है। ये जागरूकता बढ़ाने का अभियान है कि हमारी नदियां सूख रही हैं। सभी, जब मैं सभी कहता हूं तो मेरा मतलब है पानी पीने वाले हर व्यक्ति को नदियों के लिए रैली जरूर करनी चाहिए। ये यात्रा क्यों? शायद ये हमारे जीवन काल में ना हो पाए, पर हमें समाधान के लिए अभी दिशा तय करनी होगी। बारिश के रूप में जो पानी नीचे आता है, हम उसे मिट्टी में नहीं डाल पा रहे हैं। इसकी मूल वजह यह है कि मिट्टी में कोई जैविक पदार्थ नहीं है और पर्याप्त पेड़ पौधे नहीं हैं। अगर हम ये 242 करोड़ पेड़ लगाएंगे तो झीलें भर जाएंगी, कुएं भर जाएंगे। सबसे बढ़कर वर्ष के ज्यादातर समय में मिट्टी नम रहेगी और ये जरूरी भी है, इसीलिए कावेरी पुकारे शुरू किया गया है।
हमने जो शरीर धारण किया है वो मिट्टी ही है। मिट्टी के समृद्ध और अच्छे हुए बिना ये शरीर और दूसरे जीव अच्छे से नहीं जी सकते। इसीलिए पर्यावरण के लिए और जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस बारे में एक जागरूक दृष्टिकोण रखना होगा कि हम अपनी मिट्टी को कैसे संभालें, अपनी मिट्टी को कैसे बेहतर बनाएं और अपनी मिट्टी को कैसे फिर से जीवंत बनाएं। कॉन्शियस प्लैनेट ने मिट्टी बचाओ अभियान शुरू किया है ताकि मिट्टी को फिर से जीवंत बनाने के लिए नीतियों में बदलाव किया जा सके। इस अभियान के एक हिस्से के रूप में मैं 65 वर्ष का हूं और मैं 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहा हूं। मैं मोटरसाइकिल पर अकेला 30,000 किलोमीटर 24 देशों से होता हुआ यात्रा करूंगा ताकि नागरिकों का समर्थन मिल सके, जिससे सरकारों को ये विश्वास हो सके कि इसमें लंबे समय तक निवेश करना फायदेमंद है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि दुनिया की हर सरकार की नीति में मिट्टी को जीवंत बनाना शामिल किया जाए। हमें दुनिया में ये सभी को समझाना होगा कि मिट्टी एक धन है, ये एक विरासत है जो हमें पिछली पीढ़ियों से मिली है और हमें इसे आने वाली पीढ़ियों तक जीवित मिट्टी के रूप में पहुंचाना होगा। ये समय का ऐसा मोड़ है कि अगर आप अभी सही काम करते हैं तो अगले 15 से 25 वर्षों में हम इस स्थिति को काफी हद तक बदल सकते हैं और मिट्टी जीवंत हो सकती है। पर अगर हम इसे और 30-40 साल तक इसी तरह आगे बढ़ने दें और 40 साल के बाद अगर हम इसे ठीक करने की कोशिश करें तो इसमें 150 से 200 साल लग सकते हैं, क्योंकि तब तक बायोडायवर्सिटी का इतना नुकसान हो चुका होगा। 21 मार्च से शुरू करते हुए 100 दिनों तक पूरी दुनिया को, धरती के हर इंसान को मिट्टी की बात करनी चाहिए। हमें हर जगह मिट्टी और मिट्टी बचाओ ही सुनाई देना चाहिए। इससे ये होगा कि दुनिया की चर्चाओं में हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी मिट्टी शामिल हो जाएगा। ऐसा करने के लिए आप सभी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसे संभव बनाने के लिए दुनिया के कई नेता और प्रभावशाली लोग पहले से ही इस अभियान में भाग ले रहे हैं। इसका हिस्सा बने, आइए इसे संभव बनाएं। From my part, as much as I can contribute. We're going to save the soil. Do your part. And saving the soils. Our future, our children's future, and our planet's future depend on it. Save the soil. We know what we must do, so let's make it happen. 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 Let's make it happen.